नंबरिंग करेंगे आप कि इसकी पोजीशन कहां पर है, तो नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर से ये फंक्शनल ग्रुप नजदीक में आता हो। तो नंबरिंग अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3 4th पोजीशन पर आता है, इधर से करते हैं तो 1 2 3 पोजीशन पर आता है। तो क्यों ना आप इधर से करें 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो ये कैसे पोजीशन पर आ गया, तीसरे पोजीशन पर आ गया। तो इसकी पोजीशन लिखेंगे तो हेक्सेन 3 और सफिक्स, ये कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल, और अल्कोहल का सफिक्स यूज करते हैं ऑल, तो क्या लिखेंगे ऑल, तो हेक्सेन 3 ऑल। ओके स्टूडेंट्स, यस, कोई दिक्कत नो सर, सेकंड वाला बताइए ना, सेकंड वाले में पूछ को यार, पहले वाले में डाउट है क्या ये तो बता, दूसरे वाले में आ रहा है, पहले वाले में किसी को कोई डाउट बचा है? नो सर। ठीक है चलो, अच्छा इसी को अब हम चाहे तो ऐसा भी लिख दे 3-hexanol, 3-hexanol हो जाएगा ये। अलीफ खान, यस सर, हो जाएगा सर, हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे वाले में तो देखते हैं, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है भाई, कीटोन, तो कीटोन मौजूद है, तो कीटोन के लिए सफिक्स यूज करते हैं ओन, लिखते वन है, पढ़ते ऑन है ना, प्रोनाउंस क्या करते हैं ओन, लिखते क्या है, क्या वन। तो आइए देखते हैं इसमें अगर लॉन्गेस्ट, क्योंकि अभी लॉन्ग चेन की बात हो रही है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ भी है, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स यूज करते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो ए यूज करेंगे, हेक्सेन हो गया। अब अगर ये हेक्सेन हो गया चलो ठीक है, अब यहाँ पर इस फंक्शनल ग्रुप की आपको पोजीशन बतानी है, तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या होगी, कि अगर सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप की आपको पोजीशन बतानी हो तो आप क्या करो कि नंबरिंग करो, नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक में आता हो, तो नंबरिंग इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 क्योंकि इधर से करते तो फोर्थ पोजीशन पर आता। अच्छा तो हेक्सेन अब इसकी पोजीशन लिखो 3 और केटोन का सफिक्स होता है ओन, क्या हो जाएगा यहाँ पर हेक्सेन 3 ओन, इसी को चाहो आप ऐसा भी लिख सकते हो 3-hexanol, 3-hexanol, क्लियर है बातें, है ना। हमारे कल ही कहा था कि अगर दो वॉवेल साथ में आ जाए तो प्रोनाउंस एक वॉवेल में करते, जिसकी साउंड तेज होती है उसको हम लोग ले लेते हैं, तो ई और ओ में ओ की साउंड एडवांस है, इसलिए ओ को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, ये इंग्लिश वाले शॉर्ट पे जाके मिल लीजिएगा। ठीक है, तो 3-hexanol, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। हाँ ना, यस सर, किसी को कोई डाउट, फिर नहीं बोलो, किसी को कोई डाउट है? नो सर, नो सर। उसमें वो स्कूल का कौन कौन बच्चा है, क्या नाम है उसका, दिशा चौधरी, वो क्या क्या नाम है सब, उन लोगों को कोई डाउट नहीं ना बाबू तुम लोगों को? नो सर। चलिए अगर यहां तक क्लियर है तो फिर एक क्वेश्चन आप लोग बना के दिखाइए तुम मुझे। इसका नेमिंग लिखो, इसका नेमिंग दो, सर बोले, जी बोलिए, हेक्सेनल डाइअल, फिर से बोलो, 1-6-hexanol एक बार और ट्राई करो, बाकी से बना या नहीं बना ये बताओ। हाँ Yeah.
सर 16 हेक्सन डाई ये हेक्सन डाइल हां ठीक है आप सही है देखो इधर यहां भी एक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है एल्डिहाइड यहां भी एल्डिहाइड मौजूद है यानी दो बार एल्डिहाइड मौजूद है तो आपको मालूम है कि कोई भी चीज अगर दो बार होगी तो उसमें यूज करते हैं डाई अब देखिए इसमें क्या करना है इसका नेमिंग करना है तो सबसे पहले आप जिधर से भी काउंट कर दो कोई दिक्कत नहीं है नंबरिंग इधर से ले लो 1 2 3 4 5 6 तो 6 के लिए क्या लिखते हैं हेक्स सिंगल बॉन्ड है तो ए नहीं हेक्सेन आप देखो एक एल्डिहाइड की पोजीशन 1 पे है दूसरे की 6 पे तो लिखो हेक्सेन 1 6 1 कॉमा देना जरूरी है वरना कोई 16 पढ़ लेगा उसको है ना तो 1 हेक्सेन 1 6 और दो बार एल्डिहाइड है तो डाई और एल्डिहाइड का सफिक्स होता है अल तो क्या हो जाएगा डाइअल क्या लिखेंगे हेक्सेन 1 6 डाइअल इसी को लिख देंगे हम लोग 1 6 हेक्सेन डाइअल कोई दिक्कत नो सर कोई दिक्कत नो सर चलिए ठीक है टाइम है क्या खत्म हो गया एक मिनट बचा है थोड़ा एक मिनट